नमस्कार विंध्य भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगर परिषद सिरमौर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों का शपथ समारोह का कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्थानीय विधायक दिव्य राज सिंह रहे मौजूद। सिरमौर में नवनिर्वाचित पार्षद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सिरमौर विधायक खासतौर से रहे मौजूद। गरिमाए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिव्यराज सिंह रहे शिवराज सिंह से सिरमौर के विकास में बेहतर से बेहतर योगदान देने की बात कही। उनका साफ तौर से कहना था कि सिरमौर के बेहतर तरीके से विकसित करना है, तमाम संसाधन जुटाने के लिए नगर परिषद को मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं। उसके पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष संदीप सिंह और नवनिर्वाचित नगर परिषद उपाध्यक्ष और अतिथियों के द्वारा भारत माता की प्रतिमा का अनावरण का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बच्चों के द्वारा स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। जो कि कई कारणों से दो ढाई साल तो यहाँ पर प्रशासक रहे आदरणीय एसडीएम साहब नीलमणि जी, और उसके पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से आपके अध्यक्ष यहाँ से छुट्टे किया चुना था शांति चौरसिया जी को। लेकिन कहीं ना कहीं पाँच सात साल से कुछ सिरमौर के नगर के विकास में मैं स्वयं मानता हूँ कि हम लोगों ने कुछ कमियाँ करी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सिरमौर के नगरवासियों ने, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो उसमें भी मुझे भारी मतों से यहाँ पर लीड दी, और जब ये नगर पंचायत के चुनाव हुए और पार्षद के माध्यम से ये चुनाव हुए तो रीवा जिले में सबसे अधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हमारे सिरमौर विधानसभा में 11 हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परंतु कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये लगा रहता था कि जो सिरमौर के लिए, खासकर सिरमौर नगर के लिए जो हमारी सोच है, जो हमारी परिकल्पना है, वो कहीं ना कहीं नगर परिषद के माध्यम से पीछे होती जा रही थी। परंतु अब हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं संदीप सिंह जी, मैं आशा करता हूं कि ये बहुत कठिन बागडोर आपने संभाली है, और कहीं ना कहीं राजनीति में तो घुस गए हैं। मुझसे दो तीन बार से पूछते थे कि ये राजनीति कौन में से होते हैं, आपका बजे अपना भाषण कौन में नए कदम जो मैंने भी जब पहली बार राजनीति में रखा था तो ऐसा लगता था कि कहां आके फंस गए और फंसी जाए थे आदमी, तो जो घर के काम होते, काम काज होते, धंधा पानी होते, लड़का बच्चा होते, बीवी होते, तो वो सब पीछे हट जाता है। और हमका लागत है अगर ये लॉकडाउन ना आवत तो हमारे बेटी हमको पहचान ना पावत। कहीं ना कहीं राजनीति में घुसे के बाद हमको अपना घर द्वार छोड़ करके जनता की सेवा में, क्योंकि जनता की सेवा में हमने कदम रखा है तो सबसे आगे जनता है, और जनता का काम करना ये हमारा एक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन करना हमारा एक। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।